राणा अमीर मोहम्मद, और जैसा कि आप में से अक्सर दोस्त जानते हैं कि हम रहीम यार खान में एक मुश्तरका कोऑपरेटिव फार्म चला रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे मुश्तरका कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त। हमारे इन मुश्तरका कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स में कोई भी पाकिस्तानी हमवतन हिस्सेदार बन सकता है। ये जी हमारी माशाल्लाह, इसमें ब्राह्मण की बछड़ियाँ हैं, एंगस है, लेमोजीन है, एक भैंसों का पोर्शन इस साइड पे है, एक पोर्शन दूसरी साइड पे है। ओ पुशल कर गया डॉक्टर साहब, चलो। प्यारे दोस्तों, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है सीमन प्रोडक्शन यूनिट, वो एक कौमी खिदमत है कि भी हमें अपने पाकिस्तान की खिदमत के लिए अगर मिल के कुछ करने का मौका मिले तो हमें उसमें ज़रूर हिस्सा डालना चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट बफलो ब्रीड जो है वो माशाल्लाह हाजी शौकत डोगर साहब की ब्रीड है, और उसी वर्ल्ड बेस्ट बफलो ब्रीड के सीमन जो हैं वो हम मार्केट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हाजी साहब को ढेरों ढेर बरकतें दे। उन्होंने अपने तमाम बुल्स, उनके सीमन प्रोड्यूस करने का इस्तेहकाक वो हमें ट्रांसफ़र कर दिया है, और हमें उसके अंदर आगे कंटिन्यू जारी रखने के लिए काउ बुल्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मशीनरी भी कुछ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें आप दोस्तों का साथ चाहिए। जो भी दोस्त हमारे सीमन प्रोडक्शन यूनिट का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अंदरूने मुल्क हैं या बैरून मुल्क, वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सीमन प्रोडक्शन यूनिट के अंदर एक बुल जो है वो मिनिमम एक माह के अंदर अंदर 600 प्लस डोजेस देता है। इस वक्त हमारे पास हाजी शौकत डोगर साहब वाले आधी दर्जन से ज़्यादा बुल्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ काउ बुल्स मौजूद हैं। काउ बुल्स के सीमन जो हैं वो भी गुलाबी वगैरह जो हैं लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे वो एनिमल हैं जी जो अपना उसमें हैं, नई रोशनी डेयरी प्रोजेक्ट के अंदर। चौधरी तारक महमूद साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ यकूब साहब, अल्लाह का करम, बड़ा एहसान है जी। सीमन प्रोडक्शन यूनिट जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर एक रिस्क भी है, मगर उसके साथ साथ हमारे इस प्रोजेक्ट के ज़रिए वतन अज़ीज़ की ब्रीड में बेहतरी के बहुत ज़्यादा मौके हैं, बहुत ज़्यादा मौके हैं। ये आज साहब के पास से आई झोटियाँ जी, ये हमारा नवाब है, ये बादल टू है जी, आज साहब के बादल बुल का बेटा है, ये मक्खन भैंस है, ये हमारी नीली का भी भैंस है जी, इसने मेला बिन किया हुआ है फैसलाबाद में। ये मलंग है जी,
मलंग बुल है, ये हाजी शौकत डोगर साहब से आया हुआ है, बाकी के बुल भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो सीमन प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह बुल है और ये आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है। सीमन प्रोडक्शन यूनिट में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे वतन अजीज़ की जो ब्रीड है उसकी बेहतरी का और रिज़्क़े हलाल का। सीमन प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कोई भी पाकिस्तानी हमवतन शामिल हो सकता है, जैसे कि हमारे पहले प्रोजेक्ट्स हैं। इस वक्त हमारे जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उनमें एक अखुवत प्रोजेक्ट है ब्रीडिंग का, एक हमारी वंडा फैक्ट्री है, उसके साथ नई रोशनी डेयरी प्रोजेक्ट है और ये सीमन प्रोडक्शन यूनिट है। ये हमारे प्रोजेक्ट जो हैं ये इस वक्त हमारे रनिंग में है। किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से आप दोस्त अगर मालूम लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर लें, हमारा नंबर आप दोस्तों के पास होगा, वैसे मैंने पोस्ट में भी दिया है 03129200067, इस नंबर पे आप दोस्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। आजकल एनिमल्स की सेल परचेज जो है वो कुछ सुस्त है, रमज़ान शरीफ है, कटाई शुरू है, तो कटाई में लोग कटाई में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उनकी तवज्जो इन कामों में ज़रा कम होती है। तो उम्मीद है कि ईद के बाद ये सेल परचेज़ वाला सिस्टम जो है ये डेवलप हो जाएगा। ब्रीड पे भी काम हो रहा है माशाल्लाह, साथ साथ बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें अपने पास मौजूद हैं, उनसे आगे जो ब्रीड है वो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। ये हमारे पास हमारा जो पहले प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं। ये जी बच्चों को माओं के साथ ही छोड़ दिया गया ताकि साथ साथ अपनी माओं का दूध पीते रहें और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं ब्रीड में, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं एनिमल्स में, अगर आप शौक रखते हैं एनिमल्स का, आप मुस्तकबिल में ये बिज़नेस करना चाहते हैं, इस बिज़नेस से मुस्तफीद होना चाहते हैं, तो जनाब अभी हमारा नंबर सेव करें और हमसे रابطہ करें ताकि हम आपको एक बेहतर वे दें, आप मुस्तकबिल में इस काम को कर पाएं। अगर आप मुस्तकबिल में डेयरी इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, इस शोबे को आप पसंद करते हैं, इस शोबे का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी आपके पास मौका है। अभी आप इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अनमोल मुश्तरका कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने और यहाँ से आप लर्न भी करेंगे, सीखेंगे भी, आगे आपको बढ़ने का मौका भी मिलेगा और जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उसको उस इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉपर प्रॉफिट भी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। मोहम्मद अनस, वालेकुम अस्सलाम, मुमताज़ खोखर साहब, जजाकल्ला, आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का, प्यार का, खलूस का, दिल की अथाह गहराइयों से हम शुक्रगुजार हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको दिखाएं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, गुलाबी बच्चे जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और ये हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि फार्म पे बड़े टॉप क्लास के गुलाबी बच्चे जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ये जो सामने एक बच्ची बैठी हुई ये भी गुलाबी है, वो जो सामने है ये भी गुलाबी है, तो बच्चे बड़े अच्छे आउटस्टैंडिंग आना शुरू हो गए हैं। ऐसे वक्त में जब ब्रीड इम्प्रूव हो चुकी हो, अच्छे जानवर फार्म पे मौजूद हों, तो आपकी शमूलियत इस फार्म की बेहतरी में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, आपको भी उससे खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। आप हमारे ब्रीडिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारे नई रोशनी डेयरी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं हमारे सीमन प्रोडक्शन यूनिट का। किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी आपने डिस्कस करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर जो है वो 03129200067
000067। शफकत जमान यूके, वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। दावत है सब दोस्तों को किसान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारे सीमन प्रोडक्शन यूनिट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान की बफलो ब्रीड बेहतर हो सकती है। हसनैन इशफाक, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शफकत जमान साहब खुश रहें, आबाद रहें जी। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है आप दोस्तों की मोहब्बतों की बदौलत, आप दोस्तों के तावन की बदौलत, आप दोस्तों की छोटी छोटी अमाउंट जो है वो मिलके एक बहुत बड़ा निज़ाम बना देती हैं। मुश्तरका फार्मिंग जो है वो इनफरादी फार्मिंग से बड़ी मुख्तलिफ है। आप एक गाय ख़रीदते हैं, आप उस पर जब अखराजात करते हैं, नौकर रखते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो आपको शायद उतनी ही बचत आती है जितनी एक मुश्तरका सिस्टम में बग़ैर टेंशन से आपको आ सकती है। मगर यहाँ से आप सीख सकते हैं, सीखने का अमल आपको मिलता है, आपको तजर्बा मिलता है, चीज़ें ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो इसलिए हम आपको दावत देते हैं कि आएँ हमारे साथ शामिल हों और इन मुश्तरका कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स के ज़रिए किसान की बेहतरी में अपना अपना हिस्सा डालें। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा।